गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं पूनम शर्मा आपको 10वीं कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक लोक भारती से दूसरी इकाई का पाठ 2 पढ़ाऊंगी, जिसका शीर्षक है 2 लघु कथाएं। इसके लेखक हैं नरेंद्र छाबड़ा जी। 2 लघु कथाएं यह पूरक पठन पर है। लेखक परिचय। नरेंद्र छाबड़ा जाने माने कथाकार हैं। कहानियों के साथ साथ आपने बहुत सी लघु कथाएं भी लिखी हैं। आपकी लघु कथाएं विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में नियमित रूप से स्थान पाती रही हैं, अर्थात छपती रही हैं। प्रमुख कृतियां हैं मेरी चुनिंदा लघु कथाएं आदि। प्रस्तुत पाठ में 2 लघु कथाएं दी गई हैं। प्रथम लघु कथा में लेखक ने यह दर्शाया है कि जब हम बड़ी दुकानों मॉल होटलों में जाते हैं तो कोई मोल भाव नहीं करते, चुपचाप पैसे दे सामान ले चले आते हैं। इसके उल्टा जब हम रेहड़ी वालों फेरी वालों से सामान खरीदते हैं तो मोल भाव करते हैं। हमें इस सोच से बचना चाहिए। लेखक चाहता है कि जो हमारी छोटी सोच है इससे हमें बचना चाहिए। जैसे हम मॉल में पैसा खर्च करते हैं वैसे ही हमें फेरी वालों से भी सामान खरीद लेना चाहिए बिना मोल भाव किए। दूसरी लघु कथा में लेखक ने रिश्वतखोरी भ्रष्टाचार पर करारा व्यंग किया है। यहाँ लेखक ने दर्शाया है कि सत्य का पालन ही लक्ष्य तक पहुँचने में सहायक होता है। चाहे कितनी ही रिश्वतखोरी हो भ्रष्टाचार हो, पर अंत में जीत जो है सत्य की ही होती है। आइए हम पाठ शुरू करते हैं। पहली लघु कथा है कंगाल। कंगाल का अर्थ है गरीब या निर्धन। इस वर्ष बड़ी भीषण गर्मी पड़ रही थी। दिन तो अंगारे से तपे रहते ही थे, रातों में भी लू और उमस से चैन नहीं मिलता था। लू गर्म हवा, उमस जब हवा रुक जाती है और गर्मी बढ़ती है तो उसे उमस कहते हैं। सोचा इस लिजलिजे और घुटन भरे मौसम से राहत पाने के लिए कुछ दिन पहाड़ों पर बिता आए। लेखक पहाड़ों पर जाने का प्लान बनाता है और अपने परिवार के साथ पहाड़ों पर घूमने के लिए निकल जाता है। अगले सप्ताह ही पर्वतीय स्थल की यात्रा पर निकल पड़े। 2-3 दिनों में ही मन में सुकून सा महसूस होने लगा था। वहां का प्राकृतिक सौंदर्य, हरे भरे पहाड़, गर्व से सीना ताने खड़े दीर्घता सिद्ध करते वृक्ष, पहाड़ों की नीरवता में हल्का सा शोर कर अपना अस्तित्व सिद्ध करते झरने मन बदलाव के लिए पर्याप्त थे। इस पैराग्राफ में प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन है कि वहाँ पे बड़े बड़े सुंदर पहाड़ थे, ऊंची ऊंची और लंबे लंबे वृक्ष थे और पहाड़ों में शांति थी। झरने कलकल की आवाज करके बह रहे थे जो मन को सुकून देने वाले थे। उस दिन शाम के वक्त झील किनारे टहल रहे थे, एक भुट्टे वाला आया और बोला, साफ भुट्टा लेंगे? गरम गरम भून कर मसाला लगा कर दूंगा। सहज ही पूछ लिया, कितने का है? 5 रुपए का। क्या 5 रुपए में एक भुट्टा? हमारे शहर में तो 2 रुपए में एक मिलता है, तुम 3 ले लो। नहीं साहब, 5 से कम में तो नहीं मिलेगा। तो रहने दो, हम आगे बढ़ गए। एक ये स्वाभाविक व्यवहार है, अगर कोई सामान आप लेने जाते हैं तो आप दाम पूछ ही लेते हैं। लेखक को दाम नहीं मन भाता है और आगे बढ़ जाता है। एकाएक पैर ठिठक गए और मन में विचार उठा कि हमारे जैसे लोग पहाड़ों पर घूमने का शौक रखते हैं, हजारों रुपए खर्च करते हैं, अच्छे होटलों में रुकते हैं, जो बड़ी दुकानों में बिना दाम पूछे खर्च करते हैं, पर गरीब से 2 रुपए के लिए झिक झिक करते हैं, कितने कंगाल हैं हम। उल्टे कदम लौटा और 20 रुपए में 4 भुट्टे खरीद कर चल पड़ा अपनी राह। रायन रास्ता। मन अब सुकून अनुभव कर रहा था। लेखक को बहुत तसल्ली हो रही थी कि उसने 20 रुपए में 4 भुट्टे खरीदे। एक छोटी सी कहानी है ये। इसके माध्यम से लेखक कहता है कि हमारी जो मानसिकता बनी हुई है, सोच बनी हुई है कि भाई हम बड़े जगहों पे जाएंगे तो झिकझिक हमको नहीं करना है, लेकिन हम किसी गरीब के साथ जरूर झिकझिक करते हैं। हम हजारों रुपए होटल पर
खर्च कर देते हैं, लेकिन एक गरीब को देखते हैं तो वहां पे हम 2-3 रुपए के लिए भी झिकझिक करते हैं। तो लेखक चाहता है कि हमारी ये मानसिकता, हमारी जो ये सोच है, वो हमको बदलनी चाहिए। दूसरी लघु कथा सही उत्तर है। इसमें एक युवक जो है नौकरी के लिए इधर उधर भटकता है, लेकिन समाज में, ऑफिस में अधिकारी इतने भ्रष्टाचारी हैं कि उसे नौकरी नहीं मिलती है। वो समाज की व्यवस्था को कोसता है, किंतु अंततः जाके उसे नौकरी मिल ही जाती है। वो सत्य का साथ छोड़ता नहीं है, कहीं भी वो रिश्वत देता नहीं है। तो कहानी हम शुरू करेंगे कि अब तक वह कितने ही स्थानों पर नौकरी के लिए आवेदन कर चुका था, साक्षात्कार दे चुका था, साक्षात्कार इंटरव्यू, उसके प्रमाण पत्रों की फाइल भी उसे सफलता दिलाने में नाकामयाब रही थी। हर जगह भ्रष्टाचार, रिश्वत का बोलबाला होने के कारण योग्यता के बावजूद उसका चयन नहीं हो पाता था। यानी हर तरह से वह योग्य था, फिर भी उसका कहीं भी नौकरी के लिए सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था। हर ओर से अब वह निराश हो चुका था। भ्रष्ट सामाजिक व्यवस्था को कोसने के अलावा उसके वश में और कुछ तो था नहीं। आज फिर उसे साक्षात्कार के लिए जाना है। अब तक देश प्रेम, नैतिकता, शिष्टाचार, ईमानदारी पर अपने तर्कपूर्ण विचार बड़े विश्वास से रखता आया था, लेकिन इसके बावजूद उसके हिस्से में सिर्फ असफलता ही आई थी। साक्षात्कार के लिए उपस्थित प्रतिनिधि मंडल में से एक अधिकारी ने पूछा, भ्रष्टाचार के बारे में आपकी क्या राय है? युवक ने उत्तर दिया, भ्रष्टाचार एक ऐसा कीड़ा है जो देश को घुन की तरह खा रहा है। इसने सारी सामाजिक व्यवस्था को चिंताजनक स्थिति में पहुंचा दिया है। सच कहा जाए तो यह देश के लिए कलंक है। अधिकारियों के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और उत्सुकता छा गई। उसके तर्क में उन्हें रुचि महसूस होने लगी। दूसरे अधिकारी ने प्रश्न किया, रिश्वत को आप क्या मानते हैं? युवक ने उत्तर दिया, यह भ्रष्टाचार की बहन है। जैसे विशेष अवसरों पर हम अपने प्रियजनों, परिचितों, मित्रों को उपहार देते हैं, इसका स्वरूप भी कुछ कुछ वैसा ही है, लेकिन उपहार देकर हम केवल खुशियों या कर्तव्यों का आदान प्रदान करते हैं, इससे अधिक कुछ नहीं। जबकि रिश्वत देने से रुके हुए कार्य, दबी हुई फाइलें, टलती हुई पदोन्नति, रोकी गई नौकरी आदि में इसके कारण सफलता हासिल की जा सकती है। युवक बताता है कि अगर आप रिश्वत देते हैं तो आपका सारा काम हो जाता है, चाहे वो आपका प्रमोशन हो, चाहे आपको नौकरी मिलने की बात हो। तब भी यह समाज के माथे पर कलंक है। इसका समर्थन कतई नहीं किया जा सकता, ऐसी मेरी धारणा है, कहकर वह तेजी से बाहर निकल आया। जानता था कि यहाँ भी चयन नहीं होगा। वो जानता था कि यहाँ के अधिकारी भी भ्रष्टाचारी हैं, आज यहाँ भी उसका सिलेक्शन नहीं होगा। पर भीतर बैठे अधिकारियों ने गंभीरता से विचार विमर्श करने के बाद युवक के सही उत्तर की दाद देते हुए उसका चयन कर लिया। आज वह समझा कि सत्य कुछ समय के लिए निराश हो सकता है, परास्त नहीं। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी सत्य का मार्ग छोड़ना नहीं चाहिए। सत्य कुछ समय के लिए आपको निराश कर सकता है, लेकिन कभी भी वो हारता नहीं है, इसलिए हमेशा सत्य का साथ देना चाहिए। शब्द संसार, शब्दों का अर्थ पढ़ती हूँ। भीषण, भयानक, लिज लिजे, सीलन भरा, नीरवता, एकांत या एकदम शांत, कंगाल, गरीब, निर्धन, साक्षात्कार, मुलाकात, रिश्वत, घूस। मुहावरे आए हुए हैं पाठ में, सीना तान कर खड़े रहना, निर्भय होकर खड़े रहना, बोलबाला होना, प्रभाव होना, दाद देना, प्रशंसा करना। स्वाध्याय फर्स्ट क्वेश्चन है, सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। गर्मी की विशेषताएं संजाल पूर्ण कीजिए। पाठ में गर्मी की विशेषताएं दी गई हैं, वो आपको लिखनी है। इसमें उत्तर लिखना है, मौसम ऐसा था, पहाड़ों पर मौसम कैसा था उसका, यहाँ पे दो शब्दों में लिखना है।
क्वेश्चन नंबर थर्ड कारण लिखिए। क्वेश्चन नंबर फोर्थ कृति पूर्ण कीजिए लेखक के मन परिवर्तन के कारण, क्या कारण थे। प्रवाह तालिका पूर्ण करनी है, लोग रिश्वत देकर ये लाभ उठाते हैं, कौन कौन से लाभ हैं पाठ में आए हुए हैं वो आपको चारों लिखने हैं। भाषा बिंदु क्वेश्चन नंबर वन, अर्थ के आधार पर निम्न वाक्यों के आपको भेद लिखने हैं, अर्थ के आधार पर। दूसरे क्वेश्चन में कोष्टक की सूचना के अनुसार निम्न वाक्य में अर्थ के आधार पर परिवर्तन करना है, वाक्य दिए हुए हैं उनको आपको दूसरे वाक्य में परिवर्तन करना है, ब्रैकेट में आपको वो वाक्य दिया हुआ है कौन सा वाक्य आपको चेंज करना है। प्रथम इकाई के पाठों में से अर्थ के आधार पर विभिन्न प्रकार के 5 वाक्य ढूंढकर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 रचना के आधार पर वाक्यों के भेद पहचान कर कोष्ठक में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 5 रचना के आधार पर विभिन्न प्रकार के 3-3 वाक्य पाठों से ढूंढकर लिखिए। उपयोजित लेखन में जल है तो कल है विषय पर 80 से 100 शब्दों में आपको निबंध लिखना है। धन्यवाद।